नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएफ पेंशन धारक को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में जो बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, तो उसी के बारे में जो है दोस्तों अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी केस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारक को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर पेंशन दिए गई और उस पेंशन को जो है दोस्तों 50,000 रुपए की अमाउंट जो है वो यहाँ पर सैंक्शन की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, साथ में यहाँ पर ये जो पेंशन है उसे सैंक्शन करने के बाद जो एरियर बना है तो वो भी जो है वो यहाँ पर पेंशन धारक को भुगतान किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारक के संदर्भ में निकल कर आई है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन के संदर्भ में है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ बराकपुर वेस्ट बंगाल से ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जिसके तहत पेंशन धारक की जो पेंशन है उसे रिवाइज कर दिया गया और ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो बिलोंग करते हैं एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट से। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी जो पहले रेगुलर पेंशन थी उस पेंशन को अभी रिवाइज करके जो है वो यहाँ पर उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ बराकपुर वेस्ट बंगाल द्वारा ये जो बड़ा फैसला किया गया है जिसके तहत सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है दोस्तों पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पेंशनर्स है तो वो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट से बिलोंग करते हैं और उनका जो ओल्ड एंड रिवाइज पीपीओज है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उनकी जो ओल्ड पेंशन है उसे जो है वो 15,000 रुपए की जो सीलिंग अमाउंट है उस पर कैलकुलेट किया गया था और उनको जो है वो 2,482 रुपए जो है वो पर मंथ पेंशन का यहाँ पर भुगतान किया जाता था, पर उनकी जो है वो अभी पेंशन को रिवाइज कर दिया गया है और उनकी जो रिवाइज पेंशन है उसे एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है दोस्तों यहाँ पर फिर से कैलकुलेट कर दिया गया है। उनकी एक्चुअल सैलरी जो है वो एग्जिट के टाइम वो थी 1,57,411 रुपए और उनकी जो पेंशनेबल सैलरी बनती है तो वो बनती है फिर उतने ही 1,57,411 रुपए और उसके बाद इस 1,57,411 रुपए पर उनकी जो रिवाइज पेंशन है तो वो है 50,531 रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और उनको ये जो एरियस है तो उसका भी यहाँ पर भुगतान किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उनको जो एरियर एज अप टू जून 2019 तो वो 19,35,250 जो है दोस्तों यहाँ पर पेड कर दिए गए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि ये जो उनका पेंशन का डिटेल ब्यौरा है तो उसमें जो है दोस्तों आपका आपको जो है उनका पीपीओ नंबर मिल जाएगा, जो अमाउंट पेंशन की है 50,531 रुपए तो वो भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो उनका मेंबर आईडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ एग्जिट है, रीजन ऑफ एग्जिट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जो पीपीएफओ के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो वो सारा यहाँ पर दिया गया है और साथ में यहाँ पर जो पेंशन सैंक्शन की गई है तो उसका जो अमाउंट है तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो कि है 50,531 रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ा फैसला दिया गया है जिसके तहत उनको जो है वो अभी उनके एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है दोस्तों पेंशन का भुगतान किया जाएगा, यानी उनको जो है वो अभी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर ये जो 50,531 रुपए हर महीने की पेंशन है तो उतनी दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ा फैसला लिया गया था ईपीएस पेंशन धारकों के हक में तो उसी के बारे में जो है दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है तो उन सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल सके जो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो डिटेल लेटर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, उस पर क्लिक करके आप ये जो डिटेल लेटर है ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।